स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज सिडकुल स्थित फैक्ट्रियों से सिंचाई नहरों में केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। सिडकुल रोड के ग्राम बरुआ बाग में गुजरने वाली सिंचाई नहर में फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी छोड़े जाने के कारण नहर का पानी जहरीला हो गया है। नहर में मिले केमिकल युक्त पानी से जगह जगह पर नहर जाग से भर गई है, इसे ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों ने इस प्रदूषित जल से खेती व जीव जंतुओं को खतरा बताते हुए अपना विरोध व्यक्त कर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की। सितारगंज से सिसोना के सामाजिक कार्यकर्ता हरजीत सिंह व ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द केमिकल युक्त पानी को रोका जाए और कंपनियां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर शुद्ध पानी ही नहरों में छोड़े। सिसोना के सामाजिक कार्यकर्ता हरजीत सिंह ने कहा कि इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो क्षेत्रवासी कंपनी में तालाबंदी करेंगे। गौरतलब है कि पिछले 5 वर्षों से क्षेत्रवासी इस दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। 150 से ज्यादा जानवरों की इस दूषित पानी को पीने से मौत हो गई थी। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। आप लोग देख रहे हैं आज ये केमिकल युक्त पानी जो कि सिडकुल कंपनियों से बहता हुआ सिसोना सितारगंज सब जगह जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, आखिर इस केमिकल युक्त पानी को जिस यहाँ के जानवर, यहाँ के भैंस, जो भी जानवर विजन्मी हैं, उसके बाद खेतों की सिंचाई इसी पानी से होती है। शासन का इतना अंधा प्रशासन हो चुका है कि ये चीज नहीं दिख रही है। इसके 5 से 6 साल हो गए, हर बार इस भाग के मुद्दे को मुद्दा बनाया जाता है, पुल पे बैठा जाता है, धरना होता है, बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खुली चुनौती देता हूँ, जो ये कंपनी वाले आंख मिचोली खेल रहे हैं उनको खुली चुनौती है, अगर ये दोबारा ये पानी इन्होंने हमारे सिसोना नहर में डाला गया तो हम लोग उसी कंपनी के ऊपर जाके बैठ के उसी कंपनी को ताला लगाएंगे। उसके बाद शासन आए, प्रशासन आए, हम पे केस लगे, हमें कोई डर नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी जनता रोज ऐसे मरेगी तो हम इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे कितनी बीमारियां फैलेंगी आप खुद देख सकते हैं। बच्चे इसको झाग को बर्फ समझ रहे हैं, पहाड़ी बर्फ खेल रहे हैं, इस बर्फ से खेल रहे बच्चे, और इससे कितनी बीमारियां फैलेंगी, कितने लोग मरते हैं, कितने जानवर, पिछले साल 150 से 200 जानवर मर गए। लेकिन शासन ने क्या किया, रिपोर्ट बनाई, उसके बाद चले गए। यही होता है और इस बार ऐसा नहीं होगा। हम लोग जाके कंपनी में बैठेंगे और कंपनी के ऊपर ताला लगाएंगे। जब तक इसका समाधान पूरा नहीं निकालेंगे तब तक हम इसके बाहर नहीं बैठेंगे। हमारे ही क्षेत्र का संसाधन, ये सिंचाई नहर हमारी थी, या अगर इन्होंने ये पानी छोड़ना था तो अपनी नहर दूसरी बनाते। ये सिंचाई विभाग की नहर है, इसमें हमारे संसाधनों का प्रयोग करके ये हम पे ही आंख मिचोली खेल रहे हैं। अगर इस पे इन लोगों ने पानी नहीं रोका तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी और हम लोग पूरी क्षेत्र की जनता सबसे पहले कंपनी के ऊपर ताला लगा